कोई दावा कर सकता है कि मैं इतने दिन जीऊंगा? कोई भी नहीं। आने वाला पल क्या होगा किसी को कोई खबर नहीं। इसलिए जीवन मानो घास में पड़ी उस की बूंद की भांति, एक हवा का झोंका आया, बूंद गिर पड़ी। जीवन मानो बारिश में उठने वाले बुलबुले की तरह, सद्गुरु ने इसलिए कहा, पानी के रागुत बता असमानस की छा, बुलबुले की तरह है, एक पल बनता है, दूसरे पल टूट जाता है। ये भी हम नहीं कह सकते कि हम वृद्ध होकर के ही मरेंगे, कोई दावा नहीं कर सकता। जब जीवन इतना क्षणिक है, जब जीवन इतना अनमोल है, तो बेहतर है कि हम जीवन को समझें, जीवन को जानें। भूमात्र भोग जीवन का उद्देश्य नहीं है, है क्या? नहीं है। हम विषयों में, हम भोगों में लिप्त रहे, इतना ही जीवन का मतलब नहीं है। मैंने पिछले किसी प्रवचन में कहा था कि हर मनुष्य को सुख की तलाश है, हर मनुष्य को। उस सुख को हमने अलग अलग जगहों में ढूंढा है। हमने किसी ने धन में ढूंढा तो वो धन कमाता है, जीवन भर धन कमाता है, धन कमाता है। किसी ने उसे पद में ढूंढा तो पद की प्राप्ति चाहता है। किसी ने प्रतिष्ठा में ढूंढा, जैसे हम लोग होते हैं, मेरे इतने सारे चेले, वाह क्या बात है, बहुत बड़ा हो गया। मैंने अगर लाख चेले हैं, लाखों संख्या है, तो मैं बड़ा बड़ा मान, बड़ा आचार्य। इस तरह की बातें आती देखते। हमने सुख को प्रतिष्ठा में ढूंढ लिया, हमने सुख को धन में ढूंढा, हमने सुख को परिवार में ढूंढा, लेकिन सुख सच्चा, जो सुख जिसे आनंद कहे, वो कहीं नहीं है। उस सुख को तलाशा गया दो तरह से। पश्चिम ने सुख ढूंढा बाहर की तरफ, पूर्व ने ढूंढा अंदर की तरफ। पश्चिम ने अर्थात वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग थे, उन्होंने बाहर ढूंढा। जब बाहर ढूंढा तो आविष्कार हुए, विज्ञान का विकास हुआ। और पूर्व ने ढूंढा अंदर की तरफ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो पूर्व ने ढूंढा वही सही मार्ग है। इसलिए सही है कि जो सुख बाहर है, जो सुख अंदर है, जो आनंद अंदर है, उसे अंदर ही ढूंढा जा सकता है। एक माता जी थी, बूढ़ी सी, एक झोपड़ी में रहती थी। शाम का समय था, स्ट्रीट लाइट था बाहर, और वो जिस झोपड़ी में रहती थी तो एक दिया जल रहा था। वो कपड़े सील रही थी, कपड़े टांग रही थी। उसी समय उसकी सुई गिर गई नीचे। जब सुई नीचे गिर गई तो सोची क्या करूं, तो वो स्ट्रीट लाइट में जाकर ढूंढने लगी, मेरी सुई कहाँ है, कहाँ है। किसी ने देखा, दादी क्या करती हो, क्या खोज रही हो? बेटा मेरी सुई यहीं कहीं गिर गई, उसी को ढूंढ रही हूँ। तो वो भी ढूंढने लगा। एक और देखा, उसने भी देखा, क्या है, क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हो? कहीं सुई गिर गई है दादी की, हम दोनों ढूंढ रहे हैं। वो भी लग गया, तीसरा भी लगा, चौथा, पांचवा। फिर किसी को विवेक जगा, किसी को विचार आया कि अगर इतने ही सुई गिरी हुई है और इतने लोग ढूंढने वाले हैं तो मिलती क्यों नहीं है। तो उसने सोचा, दादी जी ये बताओ, क्या सुई यहीं गिरी? कहता, नहीं बेटा, सुई तो वहां गिरी है। कहां? वो झोपड़ी में। तो यहां क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि यहां प्रकाश है ना, इसलिए यहां ढूंढ रही हो। ऐसे ही हमने, पश्चिम ने सुख को ढूंढा बाहर और पूर्व ने ढूंढा अंदर। तो अंदर जो सुख है वो अंदर ही तो मिलेगा, जो सुख अंदर है वो अंदर मिलेगा। और उस सुख को हमने, हमारे खास शोर से जो भारतीय दर्शन है, गीता है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, सब में
छह शास्त्र, चार वेद, सब ने उस सुख की ही बात कही। गीता में अलग अलग भाग किया, कहा कि तुम कर्म करके भी उस सुख को प्राप्त कर सकते हो। इसको जरा कम करें, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा। किसे गीता फिर कहती है कि तुम कर्म करके भी, तुम भक्ति करके भी, तुम ज्ञान करके भी, तुम ध्यान करके भी उस सुख को प्राप्त कर सकते हो। और सदगुरु कबीर साहब ने भी यही कहा, और आप दया सागर पढ़ते हो उसमें यही कहते हैं, साधु संत की अधिक महिमा रहनी कुंड नहाइए। तुम रहनी आचार विचार सिरो, योगी जन की अधिक महिमा युक्ति कुंड नहाइए, और श्रोता वक्त की अधिक महिमा विचार कुंड नहाइए। और अंत में भक्ति की बात आती है तो सेवक के लिए क्या आदेश है साहब का, वो कहते हैं कि दास तन की अधिक महिमा सेवा कुंड नहाइए, भक्ति करो। भक्ति अर्थात संपूर्ण समर्पण, बेशर्त समर्पण अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति। और भक्ति वो पतवार है जो जीवन नैया को हिचकोले खाने से बचाता है। आपके पास धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, और ऐसे में बुद्धि विचलित हो, बहुत संभव है, बहुत संभव है कि जब जिसके पास, जो गरीब आदमी हो अचानक धन प्राप्त कर ले तो उसकी बुद्धि वो संभलता नहीं, फिर क्या करता है, तो पहले तो बड़ा सात्विक, फिर बाद में वो मांसाहार करने लगता है, शराब पीने लगता है और व्यसनों में लिप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो संभाल नहीं पाता। ऐसे में ही भक्ति की जरूरत है, ऐसे में ही भक्ति की जरूरत है। जब आपके पास पद हो, प्रतिष्ठा हो, तब भी आपकी बुद्धि नियंत्रित, नियमित और संयमित रहे, इसी समय भक्ति की जरूरत होती है। किसी ने पूछा मुझसे, साहेब भक्ति क्यों जरूरी है? मैंने कहा देखो, शादी करते हो? हाँ शादी करता हूं। पत्नी आई है, पत्नी सुलक्षणा है कि कुलक्षणा है, ये सदगुरु ये भक्ति निर्धारित करेगा। बेटा सब पैदा करते हैं लेकिन बेटा आज्ञाकारी है कि आप पर हाथ उठाता है, ये भक्ति निर्धारित करती है।